बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 11वीं क्लास के उर्दू का सबक नंबर 15 के मश्क के सवालात, मरकजी ख्याल, खुलासा और इसके साथ इसका बुक वर्क भी हल करेंगे और इनके अशार की तशरीह भी करेंगे। लिहाजा आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है, सभी अशार की तशरीह होगी। और हमारे जो चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी मालूमती वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। और इसके बाद जो है हमारे अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है या उसने आपको फ़ायदा दिया है तो आप वीडियो को शेयर किया करें। तो आइए चलते हैं सबक के उनवान की तरफ। सबक का नाम है हम्द और इसके जो शायर हैं वो है अमीर मेनाई। इसका मरकजी ख्याल है, इस हम्द का मरकजी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला की जात का नूर कायनात के हर एक जरे में आया है, यानी कि नजर आता है और लाखों पर्दों में छुपा हुआ है, यानी हमारी निगाहों से ओझल है, इसके बावजूद उसका अक्स जो है अपनी बनाई हुई हर एक चीज में नजर आता है। वो खलवत में भी है, वो जलवत में है, वो जाहिर में भी है और बातन में भी है। वही हर चमन का माली है, वही हकीकी राजदां और मुखलिस दोस्त है। शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है कि ऐ अल्लाह ताला, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, तू अकेला इस कायनात का मालको खालिक है। अगरचा लाख पर्दों में तू छुपा हुआ है मगर हर एक चीज में तेरी कुदरत के नजारे हैं। तू हर जगह मौजूद है, तन्हाई में भी है और हजूम में भी है, जाहिर में भी है और बातन में भी है, मैजान में भी है। और आप जो अल्लाह ताला से शायर कहते हैं कि जो है आप यानी के तू मेजबान भी है, मेजबान भी है और तू मेहमान भी है और बागों में तेरा रंग दिखता है, फूलों में तेरी खुशबू भी बसी है। तू मालिक दुनिया का सबका मुहाफिज है, मकान और ला मकान में तेरे सिवा कोई और मौजूद नहीं है। तो हकीकी और सच्चा राजदान है, राजदान है और अपने बंदों के पर रहम करने वाला है। अजीज तलबा, जब भी आप किसी शेर की तशरीह करते हैं या आपके पेपर में या टेस्ट में कोई आपको शेर दिया जाता है तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए उसका, आपको शायर का नाम आपके लिए जरूरी है कि आप उसको, आप पहले शेर लिखेंगे और शेर के बाद आप उसका हवाला मतन भी देंगे, यानी कि शेर का नाम, शायर का नाम लिखेंगे, उसका ये बताएंगे ये हम्द है, नात है। और इसके बाद आप हल लुगत बयान करेंगे, हल लुगत में जो होते हैं मुश्किल अल्फाज उनके मायने जो है आप लिखेंगे, तभी जाके आप उसकी तशरीह कर पाएंगे। इसके बाद आप नसर बयान करेंगे, नसर में होता है शायर को साफ लफ्ज़ों में बयान करना, यानी कि शायर में शायरी जिन लफ्ज़ों में की जाती है उनमें आप साफ लफ्ज़ों में उसको जो बयान करते हैं, सीधा सा लिखते हैं, उसे नसर कहते हैं। और इसके बाद उसका मफहूम बयान करते हैं कि शायर ने इस शेर में क्या कहा है, उन्होंने अपने शेर में किस चीज़ की वजाहत दी है, तो वो बयान करके उसके बाद आप तशरीह करेंगे। तशरीह में सबसे पहले आप जो है 3-4 लाइन में जो शायर का तारफ़ है वो बयान करेंगे। शायर ने का तारफ जो है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी नज़म को पढ़ते हैं तो उसकी शायर का नाम को याद कीजिए ताकि आपको पता हो कि किस शायर का है। और आपको शायर का पता होगा तो आप तशरीह के तशरीह में कुछ जो लाइनें हैं आप उसके मुतल्लिक लिख पाएंगे। अब तशरीह जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी 8 लाइनें होती हैं। अगर 8 लाइनें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 लाइनें लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर तशरीह बेमकसद हो जाती है और बात कहीं से कहीं निकल जाती है और बात का जो वाजिया मफहूम है वो कहीं गुम हो जाता है। तो आइए चलते हैं इसके शेर नंबर 1 की तरफ, जो नात का पहला शेर है। दूसरा कौन है जहां में तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। अब इसकी नसरी तरतीब है, जहां तू है, दूसरा कौन है,
तुझे कौन जाने तू कहाँ है। इसका मफहूम है कि ए अल्लाह, जिस जगह तू है वहां और कोई नहीं और ना कोई तेरे असल मकाम को पहचान सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब तशरी करते हैं तो उसमें शायर का जो हवाला देते हैं कि अमीर मैनाई का असल नाम जो था वो अमीर अहमद है, आप अमीर तखल्लस करते रहे। आपने तज़करा नवीसों के मुताबिक आप 1827 में पैदा हुए थे और इसके बाद आप एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे। अमीर मैनाई ने इब्तदाई तलीम अपने वालद से हासिल की थी और अमीर मैनाई जो थे उनको बचपन में ही शायरी का शौक़ था। गज़लियात के दो दीवान उनके मशहूर हैं, एक नूर तजल्ला और अब्रे करम शामिल हैं। ख़ास मशहूर हुई थी इनकी ये किताबें, यानी कि ये दीवान। और इसके बाद जो है अमीर मैनाई ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो तसव्वुफ़ की राह में गुजारा। आप 1900 में जो है अपने खाल के हकीकी से जा मिले, ये आपका हो गया तारीफ। जब आपको इस अगर हमद में से कोई भी शेर आता है तो आप इसका पहले तारीफ लिख के उसके बाद आप शायर तशरी किया करेंगे। तो तशरी है कि इस शेर में अमीर मैनाई ने अल्लाह ताला अज़्ज़ुजल की तौहीद और वहदानियत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। ए अल्लाह अज़्ज़ुजल तेरी राह ज़ात जो है हर जगह मौजूद है और जिस जगह तू मौजूद है वहां तेरे बगैर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज की मालिक है, वही हर चीज का खालिक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ना किसी ने नहीं जान पाया कि किस जगह है, बस एक एक चीज में तेरा अक्स नजर आता है। तेरे रंग तेरे जलवे हर सू बिखरे हुए हैं, तो अकेला है तेरा कोई हमसर नहीं। तू अपने जलवों से आया है, इंसान की शहरग से भी तू ज्यादा करीब है, मगर इंसान को अल्लाह जो है वो दिखाई नहीं देता। हाँ, हर एक चीज में अक्स नजर आता है। जब कैनात का एक एक जरा इतना खूबसूरत है तो फिर बनाने वाला कैसा होगा। कोई भी तेरी बराबरी नहीं कर सकता, न कर सका है। किसी शायर ने खूब कहा है, कसम खुदा की गजब के बला के जलवे हैं, कसम खुदा की गजब के बला के जलवे हैं, ये सारे जलवे हैं किसके, खुदा के जलवे हैं। ये कोई नहीं जानता तू कहाँ मौजूद है, मगर हर जगह मौजूद है। तेरा हर जगह नूर है, तेरे दम से ये दुनिया कायमो दायम है। अगर तू ना होता तो कुछ भी ना होता। शेर नंबर दो है, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशान तू है। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशान तू है। बेपर्दा का मतलब होता है जाहिर। इसकी नसरी तरतीब है, लाख पर्दों में बेपर्दा है तो सौ निशानों पे बेनिशान है। इसका मफहूम है, अगर अल्लाह ताला लाख पर्दों में है जिसे हम देख नहीं सकते, मगर अल्लाह ताला के जलवों में हर जगह मौजूद है, यानी अल्लाह ताला अपने जलवों में हर जगह मौजूद है। इसकी तशरीह है, अमीर मैनाई अल्लाह ताला की सिफत बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह जाहरी आंखों से नजर नहीं आता, अल्लाह ताला लाख पर्दों में है मगर वो बेपर्दा है, अपनी बनाई हुई हर एक चीज में नजर आता है। अल्लाह की कुदरत के लाखों निशान है लेकिन वो बेनिशान है, यानी कि लाख निशान है, अल्लाह ताला के लाखों निशान है मगर वो बेनिशान है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता। चांद निकलता है, सूरज सितारे हमें यकीन दिलाते हैं खुदा की कुदरत के नजारे हैं, उसकी कुदरत के नजारों से हम देख सकते हैं,
उसके निशानों से उसकी हस्ती और वजूद का पता चलता है, अगरचा उसकी जात हमें नजर नहीं आती। बेनिशानों में बेनिशान से मुराद है कि तेरी कारीगरी का हम मुशाहिदा करते हैं, फिर हकीकत हमारे सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं तो मौजूद है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं तो हमें ख्याल आता है कि कोई तो है जिसने ये शाहकार बनाया है। इसी तरह जब हम कायनात के तमाम रंग देखते हैं तो खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी हमदो सना बयान करते हैं और यानी कि अल्लाह ताला की खूबसूरत चीजों को देखकर उसके शुक्र गुजार होते हैं। किसी शायर ने खूब लिखा है, हर एक चीज में है वो मगर निशान नहीं मालूम, हर एक चीज में है वो मगर निशान नहीं मालूम, खुदा का नाम सुना है निशान नहीं मालूम। शेर नंबर 3 है, तू है खलवत में तू है जलवत में, तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पिनहा कहीं आयां तू है। अब खलवत का जो मायनी है वो है तन्हाई, अलैदगी, और जलवत इसका मतलब है हजूम, महफिल, यहां पे मजमा हो, और पिनहा का मतलब जो है ये है छुपा हुआ, और आयां का मतलब जाहिर। इसकी नसरी तरतीब है, तू खलवत में है तू जलवत में है, कहीं पिनहा है कहीं आयां है। इसका मफहूम है अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वही जाहिर है वही बातन है। इसकी तशरीह है, अल्लाह ताला की सिफात बयान करते हुए शायर कहता है कि ए अल्लाह तू हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। इंसान जब भी तनहा होता है, अगर उसके साथ कोई नहीं होता तो खुदा जरूर मौजूद होता है, वो हमें देख रहा होता है, हमारी किसी फेल से गाफिल नहीं है, हमारे दिल में बसता है। अगर इंसान खलवत में है यानी कि वो तन्हा है, तब भी खुदा, और जब जलवत के किसी मजलिस मजमे में है तब भी खुदा हर चीज अल्लाह के औसाफ बयान करती है। पूरी दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां अल्लाह मौजूद ना हो या किसी चीज में उसका वजूद दिखाई ना दे। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। रब दिलों में बसता है और अल्लाह की याद हर वक्त रहती है, कोई खुशी हो या गम, इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह को याद करता है, क्योंकि अगर इंसान तकलीफ में है तो सबसे पहले खुदा याद आता है, अगर खुश है तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें नेमत बख्शी, खुशी बख्शी, तो अल्लाह का हम्द और सना हम हर हाल में करते हैं। शेर नंबर 4 है, नहीं तेरे सिवा यहां कोई, नहीं तेरे सिवा यहां कोई, मेजबान तू है मेहमान तू है। इसकी नसरी तरतीब है, यहां तेरे बगैर कोई नहीं, तो मेजबान है तू ही मेहमान है। मफहूम इसका कि अल्लाह की तौहीद वहदानियत की मिसाल शान ये है कि अल्लाह पूरी दुनिया जो है, जो पूरी कायनात का मालिक है, गोया सब हसीयतें अल्लाह के लिए हैं। इसकी तशरीह है कि शायर अमीर मैनाई इस शेर में बयान करते हैं कि तमाम हसीयतें अल्लाह ताला जो जल के लिए हैं, वही पूरी दुनिया का मालिक है। हसी जो है अल्लाह ताला, वो पूरी कायनात का निज़ाम उसी के हाथ में है, इससे पहले ना कोई था ना होगा, पूरी दुनिया पर तेरा कब्जा है, तू वाहिदे यक्ता है।
अगर खुदा का वजूद ना होता तो कुछ ना होता। शायर अपने दूसरे शेर में बयान करता है कि अल्लाह मेजबान है, मतलब अल्लाह ताला सबको खिलाता है, पिलाता है और सबको नेमतें रिज्क अता करता है। सब मखलूकात उसी मरहूम मिन्नत हैं, यानी कि उसी के मोहताज हैं, अल्लाह ताला सबको अदा करने वाला है। अब शायर ने इस शेर को इसमें शेर में अल्लाह को मेहमान कहा है। यानी कि अल्लाह अल्लाह जो है वो बंदे का मेहमान बनकर मेज़बान के पास आता है। यानी कि जो अल्लाह का बंदा है वो मेहमान बनकर मेज़बान के पास आता है। क़यामत के दिन अल्लाह बंदे से पूछेगा, मैं भूखा था, प्यासा था, तूने मुझे नहीं खिलाया पिलाया। तब बंदा जो है वो हैरान परेशान होगा और वो कहेगा, अल्लाह को मैं कैसे खिला पिला सकता हूँ, या मैं अल्लाह तुझे कैसे खिला पिला सकता हूँ। अल्लाह फरमाएगा, मेरा बंदा भूखा था, तूने उसे खिलाया पिलाया नहीं। मतलब अल्लाह खुद मेहमान नहीं मगर उसका बंदा मेहमान है। कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। जो लोग अल्लाह पर यकीन करते हैं, अल्लाह के वजूद को तस्लीम करते हैं, अल्लाह हमारे अंदर बाहर मौजूद है। गोया अल्लाह मेहमान भी है और मेज़बान भी है। शेर नंबर 5 है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तू बागबां तू है। अब चमन बाग, बू खुशबू, बागबान माली। और इसकी नसरी तरतीब है कि चमन में तेरा रंग तेरी खुशबू है, खूब देखा बागबां तू है। इसका मफहूम है कि हर एक चीज में अल्लाह के रंग मौजूद हैं। इसकी तशरीह है, शायर अमीर मैनाई इस शेर में बयान करते हैं कि तेरी हर एक तखलीक तेरे नज़ारे हैं, हर एक चीज़ में तेरा नूर है। जो दुनिया में फूल रंग रंग के खिले हुए हैं, इस दुनिया में इन सब में तेरी खुशबू बसती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इन खुश में, यानी कि जो रंग और खुशबू है फूलों में, इसमें तेरी शान के जलवा जलवे नज़र आते हैं। शायर ने खूब लिखा है, बशर से हमदे इलाही अमीर क्या मुमकिन, बशर से हमदे इलाही अमीर क्या मुमकिन, पहाड़ उठाए कहाँ हौसला राई का। शायर ने अपने शेर में अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की है और तारीफ की है, अल्लाह ऐसा बागबान है हमने कभी न देखा, फूलों में ताजगी इसके दम से है। जैसे माली को अपने बाग के देखभाल करता है, उसे अपना जो बाग है बहुत प्यारा होता है, इसी तरह अल्लाह ताला पूरी कायनात पूरी दुनिया का मालिक है, उसका माली है, उसका बागबान है, उसको पालने वाला है और उसका ख्याल रखने वाला है। तो गोया अल्लाह ताला बागबा है। इंसान अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकता, हमारे पास उसके हमदो सना के अल्फाज ही नहीं है। पूरी कायनात का जरा जरा उसी के नूर से चमक दमक रहा है और हर एक चीज अपने रब की गवाही दे रही है और एक एक चीज से नूर टपक रहा है। शेर नंबर 6 है, महरम राज तो बहुत है अमीर, महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है, जिसको कहते हैं राजदां तू है। अब ये महरम राज है, ये पोशीदा बातें जो राज में किसी से कही गई हों, यानी कि महरम राज, राज की बातों को जानने वाला, पोशीदा बातों को जानने वाला तो बहुत हैं अमीर कहता है। और इसमें हम ये इसका मायने लिखेंगे, पोशीदा बातों को जानने वाला, जिसको कहते हैं राजदां, यानी कि राजदां, राजों दिलों के भेदों से वाकिफ, भेद से वाकिफ तू है। इसकी नसरी तरतीब है, महरम राज तो बहुत है, जिसको राजदां कहते हैं वो तू है।
इसका मफहूम है सच्चा और हकीकी राजदान है वो सिर्फ तू ही है। इसकी तशरीह बयान करते हैं, इसकी तशरीह है कि इस शेर में शायर बयान करता है कि बहुत से लोग होते हैं जो दोस्ती का दम भरते हैं और मानते हैं कि हम बहुत मुखलिस हैं और बहुत से दावे करते हैं, और जब इंसान पर कोई मुसीबत या तकलीफ आती है तो वही दोस्त जो दोस्ती का दम भरते हैं थकते ना थे, वो अच्छे दिनों के साथी थे, मगर जैसे ही तकलीफ में देखते हैं फिर उनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ जाती है। वो कितने वो अच्छे दोस्त थे जिन्हें हम दोस्त और हमदर्द समझते थे, वो ही हमें धोखा और फरेब दे जाते हैं। दोस्त राजदान बनकर भेदों को जाहिर कर देते हैं, इन राजों से पर्दा उठाते हैं जिनसे हमारी रुसवाई और बदनामी होती है। कुछ ऐसे राज भी होते हैं जिनको हम दोस्तों को जो हम अपने दोस्तों से मतलब के उनको बतलाते हैं, उनको उस राज से आगाह करते हैं उन्हें दोस्त समझकर। मगर एक जात ऐसी है जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालती है, हमारे राजों को अया नहीं करती, जो हकीकत में हमारी दोस्त होती है। हमारे दिल में छुपे हुए राजों को भी अल्लाह जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है मगर हमारा पर्दा रखता है, हमें रुसवा नहीं करता। अल्लाह का एक नाम है सत्तार, यानी के छुपाने वाला। हम पर अल्लाह का करम है कि वो हमारे ऐबों की पर्दा पोशी करता है। अरे हमें बख्श देता है, अल्लाह के सिवा ना तो कोई दोस्त हो सकता है ना गम ख्वार। हम इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से रिश्ता इस्तवार कर लेते हैं, सच्चा दोस्त सिर्फ खुदा है, वो हर मुश्किल से हमें निकालता है, वो हमारे सारे राजों से वाकिफ है। किसी शायर ने खूब लिखा है, सीधे कद से जो खड़ा हूं, सीधे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। लिहाजा हमारी वीडियो मुकम्मल हुई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो अब तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन से नोट्स लाजमी PDF की शक्ल में डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।